विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद तथा एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने प्रेक्षकों के साथ कैंट क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए डीएम एसपी सिटी तथा प्रेक्षक के साथ फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें लोगों से अपील किया गया कि निर्भीक होकर व निष्पक्ष रूप से 3 मार्च को मतदान करें तथा अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो पुलिस को सूचित करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के जो दुराचारी हैं उनसे भी वार्ता की जा रही है कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की शांति व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश ना करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। उन्होंने बताया कि यदि आगामी चुनाव में किसी के द्वारा किसी प्रकार का काम प्रभावित करने का प्रयास किया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और रासुका की भी कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि लोगों में एक संदेश जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने कहा, सर थोड़ा एक साथ हो जाएंगे ठीक रहेगा। आ जाओ साथ साथ चलो ना, साथ साथ चलो। चंदा पिछया भाई पिछया कार्रवाई की जा रही है।
स्वतंत्र होकर खुले मन से प्रयोग करें, किसी भी प्रकार का कोई डर भय आपके मन में न रहे। इस कारण से आज फ्लैग मार्च आपको विश्वास दिलाने के लिए उसके विरुद्ध सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। मोबाइल हटे मोबाइल में इस गुंडा है गंगेश्वर रहने से सख्त कार्रवाइयाँ की जाएगी। अनेकों व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा है गंगेश्वर व्यक्ति के तरह कार्रवाई की गई है। अनेकों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जो लोग भी इन दिवल कार्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। मतदान करें, किसी भी प्रकार का कोई दबाव आपके मन में न रहे। मतदान करें, अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो तुरंत 112 नंबर और पुलिस के अधिकारी और थाने के संबंधी नंबर पर तत्काल सूचना देने का काम करें। आपको विश्वास दिलाया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान या दिक्कत पैदा करने का कोशिश करी आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आज मेरे द्वारा और डीएम महोदय के द्वारा हमारे आदरणीय ऑब्जर्वर महोदय के साथ में ये फ्लैग मार्च किया गया। क्षेत्र के विभिन्न रास्तों से ये फ्लैग मार्च गुजरा है और लोगों को अपील की गई है कि निर्भीक होकर निष्पक्ष रूप से मतदान करें। यदि किसी प्रकार की समस्या है तो पुलिस को सूचित करें। जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो भी अनाउंस किए जा रहे हैं और जो क्षेत्र के जो दुराचारी हैं जो अपराधी हैं उनसे भी वार्ता की जा रही है, बुला के उनको भी समझाया जा रहा है कि चुनाव के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान या शांति व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश ना करें, अन्यथा बहुत ही कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। यदि आगामी चुनाव में किसी प्रकार की किसी ने प्रभावित करने का प्रयास किया या विघन डालने की कोशिश की इसमें,
तो उनके विरुद्ध नियमानुसार गुंडा एक्ट की कार्यवाही, मुकदमा दर्ज किया जाएगा गैंगस्टर, और आवश्यकतानुसार रासुका की कार्यवाही भी की जाएगी, जिससे कि लोगों में एक संदेश जाए और जो इस प्रकार के आपराधिक तत्व हैं जो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करना चाहते हैं उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही हो और लोग निर्भीक होकर बिना भय और प्रलोभन के निष्पक्ष रूप से मतदान कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कर सकें, इसका हमारे द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है।